हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ। तो चलिए सबसे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही हम बातें करने वाले हैं आज। जैसा कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारी जानकारियां ली, आज उन्हीं के बारे में हम कुछ और जानकारियां लेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उनके कुछ इमोशंस के बारे में और किस तरह के इमोशनल एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड ओल्डर चिल्ड्रन करते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां ली। तो आज उसी संदर्भ में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन इमोशनल पैटर्न्स होते हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में, जिसको बच्चे शो करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। आज इस बारे में हम लोग कॉमन पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स के बारे में ओल्डर चिल्ड्रन के हम लोग बात करेंगे। तो आई होप दैट यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द लास्ट टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड टिल येट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल और इफ यू न्यू व्यूअर इन टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोज लेटर ऑन ऑल्सो, एंड बी कॉन्टेक्टेड विद मी, आई बेग ऑफ यू। सो लेट अस बिगिन विद दैट। सो जैसा कि हम लोग ने, अगर हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में बात करें, तो द कॉमन इमोशनल पैटर्न ऑफ लेट चाइल्डहुड आर सिमिलर टू दोज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अगर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम तरीके का होता है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हम बच्चों के अंदर कुछ कॉमन इमोशनल पैटर्न्स देखते हैं, उसी प्रकार से लेट चाइल्डहुड में भी बच्चों के अंदर वही सारे कॉमन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो वो है एंगर, फियर, जेलसी, क्यूरोसिटी, एनवी, जॉय, ग्रीफ एंड अफेक्शन। तो जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंगर चिल्ड्रन के अंदर हम ये सारे कॉमन इमोशनल पैटर्न्स देखते थे, तो ओल्डर चिल्ड्रन में भी हम यही सब तरीकों के कॉमन इमोशनल पैटर्न्स को देख पाते हैं। हाउएवर, द कॉमन इमोशनल पैटर्न्स ऑफ लेट चाइल्डहुड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इन टू रेस्पेक्ट। बट कुछ डिफ्रेंसिएशन भी होता है और वो बेसिकली दो आधारों पे हम डिफ्रेंशिएशन दोनों के, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड और लेट चाइल्डहुड पीरियड में, दो रिस्पेक्ट्स में हम देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। पहला, अगर हम बात करें तो दे डिफर इन द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट गिव्स राइज टू देम। तो किस प्रकार का सिचुएशन उनको मिल रहा है जहां पे उनके जो भी इमोशनल पैटर्न्स हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। एंड सेकंड, दे डिफर इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि किस प्रकार से अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में किसी भी इमोशनल पैटर्न को बच्चा किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है और ओल्डर चिल्ड्रन लेट चाइल्डहुड पीरियड में किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ सिचुएशन और फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इन दो आधारों पे दोनों पीरियड में हम यंगर चिल्ड्रन या ओल्डर चिल्ड्रन के बीच में डिफ्रेंसिएशन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इमोशनल पैटर्न्स में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। फ्रॉम एंड दीज चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ ब्रॉडेंड एक्सपीरियंस एंड लर्निंग रेदर देन ऑफ मैच्योरेशन। और ये जो चेंजेस हमें देखने को पड़ते हैं, ये उनके एक्सपीरियंस के ज्यादा होने से, बढ़ने से, जैसे एज बढ़ती है उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है तो उस वजह से उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ब्रॉडेंड होता है। तो इस कारण से ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, ना कि सिर्फ मैच्योरेशन के कारण। फ्रॉम एक्सपीरियंस चिल्ड्रेन डिस्कवर हाउ अदर्स फील्स अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। तो अपने एक्सपीरियंस से वो ये डिस्कवर कर पाते हैं कि कैसे दूसरे उनके डिफरेंट वेरियस इमोशनल एक्सप्रेशंस को किस तरह से ले रहे हैं या उनको लग रहा है। इन देयर डिजायर टू विन सोशल अप्रूवल देन दे ट्राई टू कर्ब द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन दे हैव फाउंड आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो इस वजह से जिस उनको अगर सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए तो वो उन एक्सप्रेशंस को थोड़ा कम करते हैं, उस तरीके से वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं करते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो। एज दे ग्रो ओल्डर चिल्ड्रन बिगिन टू एक्सप्रेस देयर एंगर इन मूडीनेस। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपने एंगर को एक मूडीनेस के रूप में दिखाते हैं, सल्किनेस के रूप में, एंड जनरल
ऑर्नरीनेस के रूप में। टेम्पर टेंट्रम्स बिकम लेस फ्रिक्वेंट्स उनके अंदर, जैसे छोटे बच्चों में हम देख सकते हैं यंगर चिल्ड्रेन में कि टेम्पर टेंट्रम्स बहुत होती हैं, तो लेकिन जैसे ही बच्चे ओल्डर होने लगते हैं टेम्पर टेंट्रम्स जो हैं वो बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड ओल्डर चिल्ड्रेन हैव डिस्कवर्ड दैट आर कंसिडर्ड बेबीज, क्योंकि उनको ये चीज लगता है कि अगर हम इस तरह से टेंट्रम्स दिखाएंगे तो वो एक तरह का बेबीज बिहेवियर कहलाएगा जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा उनके एज के आधार पे। जस्ट एज देयर आर डिफरेंसेस इन द वेज ओल्डर चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशंस, सो देयर आर डिफरेंसेस इन द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट गिव राइज टू देम। तो जैसे कि अगर हम डिफरेंसेस देखें कि ओल्डर चिल्ड्रन अपने इमोशंस को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह काइंड ऑफ सिचुएशन भी जो कि उनके उस बिहेवियर को, उस इमोशनल एक्सप्रेशन को राइज करती है, पैटर्न को राइज करती है, बढ़ा देती है, उसमें भी बहुत प्रकार से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन आर फार मोर लाइकली टू बिकम एंग्री व्हेन अ पर्सन मेक्स अ डेरोगेटरी कमेंट अबाउट देम then our younger children who do not completely understand the meaning of the derogatory comment। जैसे कि older children के अगर हम देखें तो वो जब भी उनको कोई भी तरह का derogatory comment उन पर pass किया जाता है तो वो जल्दी से गुस्सा नहीं होते हैं, दे विल कंट्रोल themselves। लेकिन यंगर चिल्ड्रन में देखें तो वहां पे वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि जो भी कमेंट या डेरोगेटरी कमेंट उनके ऊपर दिया जा रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो चीज वो डिस्कवर ही नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली यंग चिल्ड्रंस क्यूरोसिटी इज अराउज्ड बाई एनीथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अगर हम उसी प्रकार से देखें तो यंगर चिल्ड्रन के अंदर कोई भी नई चीज को देख के क्यूरोसिटी अराउज हो जाती है। टू एन ओल्डर चाइल्ड द न्यू एंड डिफरेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड और इट विल नॉट अराउज क्यूरोसिटी। लेकिन अगर वहीं पे हम वो चीज ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में देखें तो वो बहुत ही प्रोनाउंस्ड होती है और किसी भी नए और अलग चीज को देख के उनकी क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, अराउज नहीं होती है। एज इज ट्रू ऑफ यंगर चिल्ड्रेन देयर आर वेरिएशंस इन द कॉमन इमोशंस older children experience and in the way they express these emotions। younger children के लिए ये सही बात बोली गई है कि there are variations in common emotions older children experience। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं उनके कॉमन इमोशंस में जो ओल्डर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं एंड इन द वे दे एक्सप्रेस दीज इमोशंस, और उसी प्रकार से डिफरेंशिएशंस वेरिएशंस होते हैं जिस प्रकार से वो अपने उस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। चिल्ड्रन हु आर पॉपुलर टेंड टू बी लेस एंशियस एंड लेस जेलस। जो कि बहुत पॉपुलर चिल्ड्रन होते हैं अपने ग्रुप में वो लेस एंशियस होते हैं, उनके अंदर लेस एंग्जाइटी पाई जाती है एंड वो लेस जेलस भी होते हैं देन दोज हु आर लेस पॉपुलर, उनकी अपेक्षा जो बच्चे लेस पॉपुलर होते हैं। बॉयज एट एवरी एज एक्सप्रेस द इमोशंस दैट आर रिगार्डेड एज सेक्स अप्रोप्रिएट। हर एज में अगर बॉयज को देखा जाए तो वो अपने इमोशंस को अपने एज के एज और सेक्स अप्रोप्रिएट के आधार पे एक्सप्रेस करते हैं, सच एज एंगर एंड क्यूरोसिटी मोर ओवर्टली देन गर्ल्स। एंगर और क्यूरोसिटी वो गर्ल्स से ज्यादा शो करते हैं। वाइल गर्ल्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर फियर्स वरीज एंड फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन देन बॉयज, और वही देखा जाए तो गर्ल्स के अंदर मोर दिखाई देता है, जैसे कि फियर हुआ, वरीज हुई, किसी प्रकार की चिंता बहुत जल्दी गर्ल्स के अंदर दिखाई पड़ती है एंड फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन इमोशंस दैट आर रिगार्डेड एज सेक्स अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो इस तरह से बॉयज के लिए सेक्स अप्रोप्रिएट इमोशंस जैसे कि एंग्जाइटी है और क्यूरोसिटी है, वैसे गर्ल्स के लिए फियर है, वरीज है, अफेक्शन है, तो इस प्रकार से उनके इमोशनल एक्सप्रेशन को शो करने की भी में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पाए कि किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड पीरियड और लेट चाइल्डहुड पीरियड में किन आधारों पे हम इमोशनल कॉमन इमोशनल पैटर्न्स और उसके एक्सप्रेशंस का डिफरेंशिएशन
कर पाते हैं, देख पाते हैं, और किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपने इमोशनल इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आई होप दैट यू गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ लाइक, एंड देयर इज स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन ऑल्सो, एंड आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो विद अ गुड इन्फॉर्मेशन। टिल देन and first of all thank you very much to watch this video till the end, and till then do take care of yourself. Bye bye.